जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा यूनिवर्सिटी बनाए जाने के प्रयास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी डिग्री ज़्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है सिवाय प्रोफेशनल सोसाइटी के ग्रेजुएट मेंबरशिप इक्वलेंसी डिग्री के। ओके, तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 1930 में IIT ने इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की कोशिश की थी। उसके बाद कई सालों बाद दो और प्रेसिडेंट IIT के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की कोशिश किए थे। उस समय भारत में सिर्फ 30 या 40 यूनिवर्सिटियाँ थी, फिर भी उस समय इन्होंने नहीं बना पाए, सिर्फ कागज़ पे ही प्रपोजल बना रह गया। ओके, उसके उसके कई सालों बाद लगभग 40-50 साल बाद 1944 बाद 1997 में अगले जो है कि 1997-98 जो प्रेसिडेंट थे ओपन यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बारे में प्लान किए थे। 2000 में डीम्ड ओपन यूनिवर्सिटी बनाए जाने के प्लान हुआ था और 2012-13 में टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बनाए जाने के प्रयास हुआ था। अभी सबसे लास्ट में 2014-15 के आसपास में रेड्डी सर के द्वारा यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रपोजल हुआ था। तो पिछले 90 सालों में 7 बार IIT ने यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी यह सिर्फ कागज़ पर रह गया, फिजिकल अपीयरेंस कहीं नहीं रह पाया। जबकि भारत की और अदर सोसाइटी के द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई गई, आप एक ग्राफ देख सकते हैं, भारत में 1950 के आसपास में सिर्फ 30 यूनिवर्सिटियाँ थी, और जबकि यूनिवर्सिटी क्या देखिए आप यहाँ पे ब्लू कलर का है जबकि आपका गुलाबी कलर का है। इसमें इस समय में आपके 1000 के आसपास में यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं, जबकि ये सिर्फ पिछले 90 सालों में 7 बार ट्राई किए सोचने का लेकिन बना नहीं पाए। रिसेंट में 22 नवंबर 2021 तक भारत में टोटल 1019 यूनिवर्सिटियाँ हो चुकी हैं, जबकि प्रोफेशनल सोसाइटी IIT ने पिछले 90 सालों में 7 बार ट्राई किया यूनिवर्सिटी बनाने का लेकिन बन नहीं पाई। ओके, तो इससे क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि अगले कितने सालों में यह यूनिवर्सिटी बना सकती है या नहीं बना सकती है? हम यहाँ पे ये बता सकते हैं आपको अपनी जानकारी के तौर पे, विदाउट स्ट्रांग विल पावर IIT डिड नॉट स्टेबलाइज यूनिवर्सिटी लास्ट 90 ईयर, हाउ विल MI कम्युनिटी में बिलीव IIT विल स्टेबलाइज यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर? जो MI की कम्युनिटी है वह कैसे बिलीव कर सकती है कि IIT फ्यूचर में यूनिवर्सिटी बनाएगी, जबकि पिछले 90 सालों में 7 बार इन्होंने सिर्फ सोचते रह गए, बाकी फिजिकल अपीयरेंसेस का कोई नहीं रहा। यह हम जानकारी आपको पूरी डिटेल अलग अलग IIT के यह जानकारी हम आपको अलग अलग पत्रिकाओं के थ्रू दे रहे हैं IIT की। जैसे अभी रिसेंट में IIT का जब 100 साल हो गया था तब उसके उपलक्ष में इन्होंने एक IIT सेनेटरी पब्लिश नोटिस जारी किए थे जिसमें टोटल 900 पेज का है। इस टोटल 900 पेज में हम आपको वही वही पेज दिखाएंगे जिसमें यूनिवर्सिटी के बारे में IIT ने चर्चा की हुई है। ओके, तो इसमें क्या है, 1920 से लेकर के 2020 तक में जितने भी प्रेसिडेंट ने पूरे चर्चा किए थे उस चर्चा के पूरा कंपाइलेशन इसमें है। उस पूरे 900 पेज में हमने खोज खोज के सिर्फ 21 पेज निकाले हैं जिसमें यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बारे में प्रपोजल पेश किया गया था। जैसे 1930 के आसपास में इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का था, हमने आपको स्टेटस दिखा दिए, इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रयास था। उसके बाद दो और प्रेसिडेंट आए जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बारे में प्रयास किए लेकिन बना नहीं पाए। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने 1944 में भी इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की कोशिश किए, नहीं बन पाया। कम्प्लीटली ये है कि ये लोग सिर्फ कागज़ पे ही यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी प्रयास किए, बाकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो पाया। 1997 में जो कि ओपन कौन सा यूनिवर्सिटी बनाए जाने को, ओपन यूनिवर्सिटी बनाए जाने को, एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑलरेडी वर्किंग टू मेक रियलिटी इन द फ्यूचर, लेकिन वो अभी रियलिटी यूनिवर्सिटी की नहीं दिख पाई। सन 2000 में अगर हम देखें, 2002 में जो है कि सन 2000 में दिया गया है IIT हैज सेट अप अ वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी अचीविंग अ डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, लेकिन यह अभी वर्किंग ग्रुप का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। सन 2012 के आसपास में नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने ट्राई किए जिस स्टेबलाइजिंग अ पैन इंडिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका सेटअप भी अभी दिखाई नहीं दे पा रहा, जिससे MIN में सभी प्रकार के डिग्री प्रोजेक्ट। रिसेंट में जो सबसे यंग प्रेसिडेंट थे रेड्डी सर, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए लेकिन यह सिर्फ कागज़ पर ही रह पाए। एलमुनी बनाए, पैसा भी कलेक्ट करने की कोशिश की गई बट फाइनली नहीं बन पाया। ओके, तो इनका ही एक अभी रिसेंट में मैगजीन जारी हुआ था जिसमें इन्होंने उस यूनिवर्सिटी का इमेज भी दिखाने की कोशिश की थी, हम आपको शायद दिखा देते हैं अगर PDF होगा तो। रेड्डी सर ने जो यूनिवर्सिटी बनाए जाने का इन्होंने दावा किए हुए थे ये एक अलग IIT के डॉक्यूमेंट में दिया गया है जो 100 अचीवमेंट डॉक्यूमेंट में है। इसके हम आगे ले चलते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि कहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर कर्नाटक में बनाए जाने को लेकर प्रपोजल था, लेकिन उसका भी अभी प्रॉपर एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आया है। तो इस तरीके से आप IIT के
यहाँ पे दिया हुआ है आई स्टेबलाइजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पथ प्रैक्टिस इंजीनियर, लेकिन यह जो है कि कर्नाटक में गवर्नमेंट को दिया गया प्रपोजल के लिए, लेकिन अभी इस यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं है कि कहाँ पे इसका प्रपोजल है, कैसे यूनिवर्सिटी बन रही है। ओवरऑल हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आई के जितने भी कागज़ दिए गए यूनिवर्सिटी हैं पिछले इतने सालों में कोई भी प्रोग्रेस, मतलब प्रैक्टिकल प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि आई कम्युनिटी जितने भी एजुकेशन है सभी अपने अलग अलग यूनिवर्सिटी से अपना हायर एजुकेशन हो सके या फिर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग हो सके वो विकल्प के तौर पे ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारा एनालिसिस है पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा कि आई फ्यूचर में जल्द ही यूनिवर्सिटियाँ बना सकती है। तो ये था हमारा एनालिसिस, आपके एनालिसिस कैसा लगा? हालांकि हमने टोटल 900 पेजों में इस पूरे डिटेल को निकालने की कोशिश की है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद इस एनालिसिस को हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। अब आप ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भारत में जो यूनिवर्सिटी है 1950 के आसपास में 30 थी और 2017 में आसपास में टोटल 895 यूनिवर्सिटी हो गई। मतलब अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, लेकिन आई अपना यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रही है, लैक ऑफ लीडरशिप ये माना जा सकता है। और 2021 में भारत में 1019 यूनिवर्सिटियाँ कंप्लीट हो गई, लेकिन आईआई फिर भी इस चीज़ को नहीं कर सकी। तो क्या आपका राय है कि हालांकि भारत में टोटल आईआई के 100 साल होने पर लगभग 100 प्रेसिडेंट बदले गए हैं, उनमें से ये सराहनीय कार्य है कि लगभग 7 लोगों ने कोशिश तो किए बट अभी फिर भी बन नहीं पाए। तो फ्यूचर में ऐसे ज़रूर प्रेसिडेंट आए जो इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाए ताकि सभी MIN को काफ़ी प्रॉफिट मिल सके फ्यूचर में। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये डिटेल काफ़ी मेहनत से कलेक्ट की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।